नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर और ये रॉटवाइलर। दोस्तों आपको जूम करके रॉटवाइलर का फेस दिखाया जाएगा, जूम करके दिखाइए रॉटवाइलर को, और ये फिर लैब्राडोर है, और यहाँ पर आपको ये जर्मन शेफर्ड है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस तीनों के बिहेवियर में क्या अंतर है, आपके फैमिली पर ये क्या प्रभाव डाल सकते हैं, और लेने से पहले आपको इनके बारे में तो ज़रूर जान लेना चाहिए, या फिर आपके पास डॉग है फिर भी आपको ज़रूर जान लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों मैं आपको प्राइस का भी अंदाज़ा बताऊंगा कि ये मार्केट में कितने में आपको मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये एलिना है, अभी 7 मंथ प्लस ये हो चुकी है, और ये जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट की है। अभी इसका ग्रोथ बाकी है, जर्मन शेफर्ड में 2 साल तक ग्रोथ दिखाया जाता है उसके हेयर का। तो इसका जो प्राइस होता है जर्मन शेफर्ड का, वो नॉर्मली आपको 10,000 से लेकर के बहुत महंगा महंगा आपको मिल जाएगा। और इसका जो आइडिया है, रेंज है, वो मैं बता देता हूँ, अराउंड 80,000 के आसपास का मैंने इसको लिया है। अब आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ये लैब्राडोर है, मैंने इसे एडल्ट ही लिया है। लैब्राडोर आपको मार्केट में 10,000 से लेकर के 1,00,000 के अराउंड तक मिल जाएगा, मैंने इसको 25,000 के अराउंड लिया है, एडल्ट ही मैंने इसे लिया था। और वो रॉटवाइलर है, ये भी एडल्ट है, ये पेपर डॉग है, बहुत ही अच्छी लाइन की है ये। और ये रॉटवाइलर है, ये भी पेपर डॉग है, बहुत ही अच्छी लाइन की है। इसका भी जो रेंज है वो 10,000 से लेकर के आपको 1,00,000 तक का वो भी मिलेगी। और ये जो जर्मन शेफर्ड है वो आपको 10,000 से लेकर के 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 15,00,000, 20,00,000 तक का भी जर्मन शेफर्ड आता है। उसका नॉर्मली आपको 1,00,000 के राउंड तक मिल जाएगा, उसे महंगा भी मिलता है बट इतना उसका चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सभी के बिहेवियर में क्या सब अंतर है, क्योंकि आप लाइव देख रहे हो तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। दोस्तों ये जर्मन शेफर्ड है, इसके बारे में पहले मैं आपको बिहेवियर बताता हूँ। जर्मन शेफर्ड बहुत ही प्रोटेक्टिव डॉग है, फैमिली को, अपने एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से पहचान लेती है, और उस पर कोई अटैक करे, कोई हमला करे, तो ये इसे पता चलता है कि ये अटैक किया गया, तो ये भी उस पर अटैक करती है, मतलब प्रोटेक्टिव है काफ़ी। गार्डिंग के लिए भी काफ़ी मस्त है, वाचिंग के लिए भी काफ़ी मस्त है। आपके घर में कोई चोर वगैरह आए, कोई जानवर आए, तो उस पर भौंक करके आपको अलर्ट करेगा। और ये बहुत ही बड़ा होता है डॉग, जिसके वजह से ये घर में, अगर आपके घर में है तो चोर वगैरह काफ़ी डरेंगे कि अरे ये तो जर्मन शेफर्ड है, इसके घर में मत जाओ। तो ये एक इसका बेनिफिट होता है जर्मन शेफर्ड का। काफ़ी ये बड़ा साइज़ का होता है, अभी तो ये 7 मंथ की है इसलिए आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, अभी धीरे धीरे इतना गजब की बन जाएगी कि आप लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों इसके बारे में, लैब्राडोर के बारे में मैं आपको खासियत बता देता हूँ कि लैब्राडोर जब 1 साल से ऊपर की हो जाती है तो थोड़ा सा इसमें बिहेवियर चेंज ये आता है कि ये रेस्ट करना ज़्यादा पसंद करती है। जर्मन शेफर्ड भी करना पसंद करता है, बट कंपेरेटिवली लैब्राडोर ज़्यादा रेस्ट करना पसंद करता है। अभी हम लोगों ने इसे 1 घंटे से ज़्यादा सबको दौड़ाया है, खेला है, इसके वजह से देख सकते हैं वो भी सोया हुआ है, ये भी आराम से रेस्ट कर रही है। बट इसे आप देख सकते हो जर्मन शेफर्ड को सबसे ज़्यादा यही दौड़ी है, लेकिन फिर भी ये एकदम खड़ी है और अलर्ट है। तो ये जर्मन शेफर्ड का खासियत आपको लाइव दिखाई पड़ रहा है। रॉटवाइलर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ऐसा नहीं है कि ये जिस तरीके से सोई हुई है, बट फिर भी ये बहुत एक्सरसाइज की है, बहुत घूमी है, इसी की वजह से ये ऐसा अभी रेस्ट कर रही है। और वैसे भी मैंने काफ़ी घुमाने के बाद इसे यहाँ पे रखा है, इसके वजह से वो सोई हुई है। देख सकते हो कि सब के सब यहाँ पे सो गए हैं। अब लैब्राडोर का ये खासियत होता है कि ये फैमिली को, मतलब एक सबको बच्चा की तरह समझेगी और सबके साथ खेलेगी, हमेशा खेलेगी। जब ये पप्पी होगी 5 मंथ 6 मंथ, उस समय तो बहुत खेलेगी, और जब ये बड़ा हो जाएगी फिर भी खेलेगी। तो इतना बड़ा होने के बाद आप इसके साथ खेलोगे तो मतलब काफ़ी मज़ा आ जाता है। इसके साथ प्लेइंग वीडियो भी मैंने डाला है, आप देखोगे कि इतना बड़ा होने के बाद भी बच्चे की तरह खेलती है, काफ़ी मज़ा लगता है ये देखने में। काफ़ी फैमिलियर डॉग होता है एक लैब्राडोर। अब रॉटवाइलर के बारे में मैं आपको बता दूँ, उसका फेस देखिए, ऐसा फेस है कि आदमी डर जाए, मैं तो खुद डर जाता हूँ रॉटवाइलर देख करके। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। अब रॉटवाइलर के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रॉटवाइलर के पास
बहुत ही ज़्यादा पावर होता है, इसका बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि अगर ये किसी को पकड़ ले तो फिर बचना नामुमकिन हो जाता है, इतना ज़्यादा पावर इसमें होता है। जर्मन शेफर्ड से ज़्यादा, पिटबुल से भी ज़्यादा इसका बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए रॉटवाइलर को कभी एग्रेसिव मत बनाइएगा, नहीं तो लेनी का देनी हो जाएगा। अब दोस्तों, जो जर्मन शेफर्ड होता है इसे मार का काफ़ी डर होता है। अगर ये एग्रेसिव भी है, इसे मारोगे तो डर जाएगा, बट रॉटवाइलर में, पिटबुल में, इस सब में क्या होता है कि आप उसे मारोगे तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव होगा, और ज़्यादा पकड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक इस ब्रीड में होता है। बट इस ब्रीड का ये फ़ायदा है कि जिनको स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड चाहिए, बहुत ही तगड़ा वाला बॉडीगार्ड चाहिए, तो ये ब्रीड काफ़ी मस्त होता है रॉटवाइलर। और रॉटवाइलर में एक और खासियत होता है कि इसमें बीमारी कम पाया जाता है, लेग बेंडिंग हो, हेरिडेटरी प्रॉब्लम हो, तो ये सब प्रॉब्लम उसमें काफ़ी कम पाया जाता है। हीट को भी ज़्यादा बर्दाश्त कर पाता है, तो ऐसे कंडीशन में रॉटवाइलर काफ़ी मस्त होता है, काफ़ी अच्छा एक फैमिली डॉग बन पाता है। तो यहाँ पर ये तीनों डॉग था, तीनों मेरा ही है, इस दोनों को तो मैंने रिसेंटली ही अडॉप्ट किया है। ये दोनों तो अराउंड 22 मंथ 24 मंथ का है ये दोनों, और ये अभी 7 मंथ की हुई है। तो दोस्तों, इस तीनों ब्रीड के बारे में आप लोग भी अपना अपना कमेंट नीचे डाल सकते हो, ताकि और भी लोग जो डॉग लेना चाहते हैं उनको इस ब्रीड के बारे में पता चल पाए, और लेने से पहले वो सही डिसाइड कर पाए। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो था। अगर आपको डॉग से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब मिल जाएगा, और बाद में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग मिलते रहेंगे और भी बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।